सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 111वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाठ का तृतीय अधिकरण चल रहा है, इसमें हम चौथे सूत्र के भाष्य को देख रहे थे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम, पृष्ठ संख्या 546। ऊपर से चौथी पंक्ति। किम तरहि, ये प्रश्न किया तो यथा अन्येषां द्रव्यान उत्पादने, ये जो वाक्य है पूरा, तो ये वाक्य ये समझ में नहीं आया स्पष्टता। हाँ, देखिए पीछे ये प्रसंग चल रहा था कि अग्नि को तो सब कर्मों का शेष मान लिया गया, लेकिन कहा कि आधान सब कर्मों का शेष नहीं है और अग्नि का भी शेष नहीं है। आधान अग्नि का शेष नहीं है, यानी उसका आवश्यक भाग नहीं है। क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अग्नि की प्राप्ति के लिए केवल आधान ही उपाय नहीं है, अन्य भी उपाय हैं। ठीक है, वो अन्य उपाय क्या है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है, जो आपने पूछा। यथा अन्येषां द्रव्याणाम उत्पादने, अन्य द्रव्यों की उत्पत्ति में। अन्य द्रव्य मतलब अग्नि से भिन्न द्रव्य, जल है, लकड़ी है, कपड़ा है, अन्न है, कुछ भी। अन्य द्रव्यों के उत्पादन में, उत्पन्न में, उत्पन्न होने में या प्राप्ति में क्रयणादयश्च अभ्युपायः एवं अग्नि नाम अपि इति। तो सबको आधान का मतलब तो ये हुआ कि वहाँ पर नए सिरे से अग्नि को उत्पन्न करते हैं। तो बोले बिना अग्नि को उत्पन्न किए खरीद भी सकते हैं किसी से, भेंट में भी ले सकते हैं, मांग भी सकते हैं किसी से, भिक्षा में मांग सकते हैं, ऐसे कहीं और से ला सकते हैं। तो अन्य भी उपाय हैं, जैसे कि द्रव्य की प्राप्ति के लिए केवल उसको बनाना ही उपाय नहीं होता है, खरीद भी सकते हैं और उधार भी ले सकते हैं और किसी से भिक्षा भी मांग सकते हैं, चुरा भी सकते हैं, बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, ऐसी अग्नि के लिए भी है। एवं अग्नि नाम अपि इति, न नियोगतः उत्पादनम एव, किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए उसका उत्पादन यानी उत्पन्न करना यही एक उपाय नहीं है, अन्य भी उपाय होते हैं। तो अग्नि का आधान करना तो अग्नि की उत्पत्ति करना है, नए सिरे से जलाते हैं। इसलिए एक पक्ष में तो आधान से भी प्राप्त हो सकती है अग्नि और अन्य उपायों से भी हो सकती है। तो जिस पक्ष में, एक ही पक्ष में कहीं आधान से प्राप्त होगी, लेकिन दूसरे पक्षों में, अन्य पक्षों में दूसरे उपाय भी प्राप्त हो रहे होंगे। इसलिए अग्नि के पाठ से आधान की भी प्राप्ति आवश्यक रूप से नहीं होती है। ठीक है, अग्नि है क्रयणमिति किम भवति, यथा वयम अग्निपेटिकां कृत्वा आनयाम तदपि अग्नि क्रयणं भविष्यति। अग्नि तिलिका पेटिका, अग्नि पेटिका नहीं, वो तो ठीक है, वो तो साधन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन कहीं होता होगा उसमें अग्नि, विशेष प्रकार की अग्नि लेनी होती होगी तो वहां से खरीद के लाते होंगे। आज तो अग्नि का खरीदना तो कुछ है ही नहीं, अब तो एकदम जला लेते हैं हम, साधन है हमारे पास, क्या खरीदेंगे उसको। लेकिन किसी अन्य द्रव्य का उस समय में अग्नि खरीद के भी लाई जाती होगी, क्योंकि अग्नि का उत्पादन कठिन था। मान लो अग्नि मंथन करके निकालते हैं, उसमें बहुत श्रम लग रहा है या समय है लग रहा है, तो किसी दूसरे ब्राह्मण के पास में अग्नि रखी हुई है, ऐसे ही अग्नि मंथन से उत्पन्न की हुई उचित रीति से, उससे लेके आ सकते हैं, अंगारे लेके आ सकते हैं, उससे खरीद करके अंगारे लेके आ सकते हैं जलते हुए, वो भी एक उपाय है।
तत्र निःशुल्केन एव न लभते कृत्वा तत्र निःशुल्केन लभते तत्तु नहीं निःशुल्क भी हो सकता है तो खरीद भी सकता है विशेष अग्नि होती है ना जो चीज किसी ने अग्नि मंथन से प्राप्त की है और फिर क्रमशः उसको बचाए चले जा रहा है रोज उसको ढकता है फिर उसी को उभारता है वही चल रही है लगातार सुरक्षित है कितना पैसा लग गया उसमें उसका मान लो कहीं पर महर्षि दयानंद के द्वारा यज्ञ कराया गया और वो अग्नि है वहां पर ठीक है और हमें भी चाहिए वो अब तो वो तो विशिष्ट अग्नि होगी सामान्य अग्नि थोड़ना है हमारे को वहीं से ही चाहिए तो वो व्यक्ति वहां पर ले सकते हैं बोलो वो पृष्ठ संख्या 546 ऊपर से छठी पंक्ति यतरस्मिन् पक्षे अप्राप्ति ही तरह पक्ष उत्पत्ति प्रयोजिष्यति ब्राह्मणादीनाम आधानस्य ब्राह्मण आत्मार्थम आदधित ये समझ में नहीं आ पाता देखो इसको हम पीछे से जो देख रहे थे जो इन्होंने पूछा था उसी से आके देखिए कि जब अग्नि की प्राप्ति आधान से भी होती है नई भी है और उपायों से भी आस पड़ोस से लाई जा सकती है तो उन्होंने कहा था कि उससे पक्ष में ही आधान प्राप्त होता है एक पक्ष में नहीं होगा वहां दूसरे उपायों से होगी तो यतरस्मिन् पक्षे अप्राप्ति जिस पक्ष में अग्नि की प्राप्ति नहीं है आधान की प्राप्ति नहीं है जिस पक्ष में आधान की प्राप्ति नहीं है ततरह पक्ष उत्पत्तिम प्रयोजयिष्यति उस पक्ष में वाक्य से उत्पत्ति जानी जाएगी किसकी उत्पत्ति मानी जाएगी देखो जिस पक्ष में आधान नहीं है यतरस्मिन् पक्षे अप्राप्ति तो उस पक्ष में ततरह पक्ष उत्पत्तिम प्रयोजयिष्यति उत्पत्ति को बताएगा वो पक्ष किसके द्वारा उत्पत्ति को बताएगा वाक्य के द्वारा उत्पत्ति को प्रयोजित करेगा क्या करेगा ब्राह्मणादि नाम आधानस्य ब्राह्मणादि के आधान को वो करेगा वसंते ब्राह्मणो अग्निम आदधीता ये जो वाक्य है तो जिस पक्ष में आधान की प्राप्ति नहीं होगी नीचे देखिए तो ये जो था ना यतरस्मिन् पक्षे अप्राप्ति उसका क्या मतलब हुआ कि अग्निहोत्र कर्म की विधि की गई तो अग्नि की वहां पर प्राप्त हो रही है ठीक है बिना अग्नि के हो नहीं सकता सामर्थ्य से प्राप्ति हो रही है अग्नि की और अग्नि की प्राप्ति हो रही है तो उसके आधान की भी प्राप्ति है ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था सिद्धांती ने कहा कि नहीं आधान के अतिरिक्त उपाय भी हो सकते हैं तो अब जब अनेक उपायों से अग्नि की प्राप्ति हो रही है तो अब केवल आधान की निश्चयात्मक प्राप्ति वहां अग्नि मात्र से हो नहीं सकती अग्निहोत्र से अग्नि की तो प्राप्ति हो रही है निश्चित रूप से लेकिन अग्नि से आधान की निश्चित प्राप्ति नहीं है अनेक प्राप्तियां हो रही हैं तो अनेक में से सब पक्ष लगेंगे आधान से भी हो सकती है तो जिस समय आधान से स्वतः स्वभावतः प्राप्त हो रही है अर्थतः वहां तो आधान से हो ही जाएगा लेकिन जो बाकी की पक्ष हैं जिसमें कि आधान नहीं है आधान से भिन्न उपायों से अग्नि की प्राप्ति दिखा रखी है वहां पर भी आधान हो आधान से ही प्राप्त हो उसके लिए वचन है इसलिए इन्होंने कहा यतरस्मिन् पक्षे अप्राप्ति आधान की प्राप्ति ही नहीं है उस पक्ष में ततरह पक्ष वह पक्ष वाक्येन उत्पत्तिम प्रयोजयिष्यति वह पक्ष वाक्य के द्वारा आधान की उत्पत्ति को बता देगा जब आधान की प्राप्ति नहीं है तब ये वचन काम करेगा कौन सा वसंते ब्राह्मणो अग्निन आदधीत इसमें आधान की विधि हुई है ना तो ये किस पक्ष में काम करेगा जहां आधान प्राप्त नहीं था वहां पर स्वभावतः आधान जिस पक्ष में प्राप्त था वहां इसको लगाने की आवश्यकता ही नहीं है तो इसलिए इन्होंने कहा कि उस पक्ष में ये अग्नि के आधान को प्रयोजित करेगा वाक्य से और प्रयोजयिष्यति प्रयोजित करेगा किन के आधान को ब्राह्मणादीनाम आधानस्य ब्राह्मण आदि के आधान को प्रयोजित करेगा अब क्योंकि यहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का तीन अलग अलग का कहा गया है तो इनके लिए आधान को प्रयोजित करेगा क्योंकि केवल आधान का ही नहीं कहा गया है
ब्राह्मण आदि का भी कहा गया, फिर उसके साथ में ऋतुओं को भी जोड़ दिया गया है। तो इन्होंने कहा ब्राह्मणादीनाम आधानस्य, ब्राह्मणादि के आधान को प्रयोजित करेगा, और वहां पर अर्थ क्या निकलेगा ब्राह्मणादि के लिए जो प्रयोजित किया जाएगा, तो उसके लिए विपरीत अल्प विराम है, ब्राह्मण आत्मार्थम आदधिता इति, ब्राह्मण अपने लिए करे, क्षत्रिय करेगा वो अपने लिए करेगा, व्यक्ति व्यक्ति अपने लिए करेगा, ये अर्थ वहां से प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा उसके लिए आगे चर्चा चलाई है फिर इन्होंने आत्मनेपथ के कारण से। हाँ, जो वाक्य के द्वारा कहा कि उस पक्ष में प्राप्त होगा, हाँ, वो वाक्य श्रुतिलिंग वाक्य है या वचन को कहना चाहिए, श्रुतिलिंग वाक्य वाला जो वाक्य है आदधिता श्रुति से, ये जो वाक्य तो ये है वसंते ब्राह्मणो अग्नि आदधिता, ये वाक्य है, इस वाक्य से सामान्य रूप से कहेंगे तो वाक्य से प्राप्त हो रही है, ठीक है, लेकिन आदधिता यहाँ पर प्रत्यय जो है लिंग है वो आधान को कह रहा है तो सीधे श्रुति से प्राप्त हो रही है। हाँ, ये तो ठीक है। पृष्ठ संख्या 547। हाँ, इसमें भाष्य की दूसरी पंक्ति, हाँ, अंतिम से असतिषु एतासु, यहाँ से जो पुराणुच्छेद समाप्ति तक ये। हाँ, देखिए इसको पीछे से ही देखिए इस अनुच्छेद को शुरू से, अपिच सतीशु एतासु आधान श्रुतिशु, इन आधान श्रुतियों के होने पर, कौन सी आधान श्रुतियां, वसंते वाली, न काम श्रुतय शक्नुवंती अपराम आधान श्रुतिम कल्पयितुम, ये जो काम श्रुतियां थी वो आधान की श्रुति को कल्पित नहीं कर सकती हैं। पूर्व पक्षी ने कहा था कि कामना श्रुतियों से हम आधान की श्रुति कल्पित कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलता, उसके बिना अग्नि नहीं होगी और अग्नि के बिना ये कामना पूर्ति नहीं होगी, याग नहीं होगा, तो वहां कल्पित करनी पड़ती है, साक्षात श्रुति नहीं है, कल्पित करनी पड़ती है। तो ये कह रहे हैं कि इन आधान श्रुतियों के, यानी वसंत आदि इन आधान श्रुतियों के होने पर काम श्रुतियां अन्य आधान श्रुति को कल्पित नहीं कर सकती हैं। वो कल्पित कब किया जाता है, जब कोई और विधान प्राप्त नहीं हो रहा है, तो तब वो कल्पना सार्थक मान ली जाती है, उचित मान ली जाती है, जब विधि हो रही है साक्षात वाक्य से, वचन दिया हुआ है, तो अब कल्पना नहीं की जा सकती, वो अन्याय है, तो इसलिए प्राप्त नहीं हो रही है। आगे देखिए, यथा प्राप्तस्य आधानस्य पुनः श्रुतः एताः भवेयुः, और यदि इनसे कामना श्रुतियों से आधान श्रुति की कल्पना कर भी ली जाए, तो उस स्थिति में, अभ्युपगम से बोल रहा है सिद्धांति, तो यथा प्राप्त आधान की, यथा प्राप्त आधान किससे, वसंते से, वसंते ब्राह्मणों अग्नि आदधित, इससे जो यथा प्राप्त आधान था उसकी पुनः श्रुति श्रुते एता भवेयु, ये जो कल्पित श्रुतियां हैं ये उसकी पुनः श्रुतियां हो जाएंगी, और पुनः श्रुति होना तो अनिष्ट है, आवश्यक नहीं है उसकी, तो फिर भी कह रहे हैं आप, हो गया यहां तक। आगे देखिए, अब कह रहे हैं असतीशु एतासु, अगर ये नहीं हो तो, कौन सी आधान श्रुतियां, वसंत वाली आधान श्रुति जो है ना, जैसे इन्होंने पीछे कहा था ना यथा प्राप्तस्य, और ये देखो पहला वाक्य देखो, सतीशु एतासु आधान श्रुतिशु, इन आधान श्रुतियों के होने पर, ये श्रुतियां हैं उस पक्ष में ये कथन था, उन्हीं के लिए कहा जा रहा है असतीशु एतासु आधान श्रुतिम अपरिगृण्यंत काम श्रुतयः, असतीशु एतासु, इनके न होने पर, यानी आधान श्रुतियों के न होने पर, आधान श्रुतिम अपरिगृण्यंत, आधान श्रुति को न लेती हुई काम श्रुतियां, काम श्रुति को मैंने विपरीत अल्प विराम से निकलवा दिया है, तो आधान, ये जो आधान श्रुतियां हैं वो तो है नहीं, और हमारे पास केवल काम श्रुतियां हैं, तो काम श्रुतियां उस समय में यदि आधान श्रुति को नहीं लेंगी तो निरर्थक हो जाएंगी, क्योंकि काम श्रुतियां हैं अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, ये काम श्रुति बिना अग्नि के नहीं हो सकती, और अग्नि के लिए आधान चाहिए, तो यदि आधान की श्रुति कल्पित न की जाए तो अग्नि नहीं होगी, अग्नि नहीं होगी तो ये पंक्तियां भी व्यर्थ हो जाएंगी। तो कहा ये जो काम श्रुतियां हैं ये आधान श्रुतिम अपरिगृण्यंतः, आधान श्रुति को न लेती हुई क्या हो जाएगा, अशक्यम अग्निहोत्रादीन वदंती, ऐसे अग्निहोत्रादि को कहने वाली बनेगी जो कि संभव नहीं है। काम श्रुतियां अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम है, ये अग्निहोत्र को कह तो रही होंगी,
लेकिन कैसे अग्निहोत्र को कह रही होंगी, जो कि शक्य नहीं है। क्यों शक्य नहीं है? क्योंकि आधान की तो श्रुति है ही नहीं, तो इनका अग्निहोत्र को कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। इति इसलिए परिगृह्णेयुः आधान श्रुतिम, तो ये फिर कल्पित आधान श्रुति को ग्रहण ही कर लेंगे। यदि आधान श्रुति साक्षात नहीं है वसंते वाली, तब केवल कामना श्रुति को देखेंगे तो यहां आधान तो कहा नहीं गया है, ऐसे में अग्निहोत्र का विधान व्यर्थ हो जाएगा, असंभव हो जाएगा, अशक्य होगा। अशक्य होते हुए वो बहुत बलवान होगा और ऐसे में आधान श्रुति को कल्पित कर सकता है, तब कर सकता था, अभी नहीं कर सकता है। हो गया वो? ये अशक्य कैसे होगा? क्योंकि किसी भी प्रकार अग्नि का आधान कर लेंगे, जैसे तो खरीद के किसी भी प्रकार कर सकते, किसी भी प्रकार का अग्नि का आधान अग्नित्र हो जाएगा। अग्नि का आधान के द्वारा अग्निहोत्र होना आवश्यक नहीं है? आवश्यक है ना, वो आवश्यक मान करके कर रहे हैं। अगर आधान नहीं करेंगे, ये मान के चल रहे हैं हम कि आधान तो करना है हमारे को, और आधान की श्रुति है नहीं, तो जो कामना श्रुति है उससे आधान की श्रुति कैसे कल्पित की जाएगी? पूर्व पक्षी तो उसी से आधान की श्रुति कल्पित कर रहा था ना। किस स्थिति में? जब आधान की कोई दूसरी श्रुति नहीं है, तभी वहां से कल्पित कर सकता है। ठीक है। और आगे जो कहा, सतीशु एतासु येषाम आधानम उक्तम, तो सतीशु एतासु इन आधान के होने पर सतीशु एतासु, एतासु मतलब इन आधान श्रुतियों के होने पर येषाम आधानम उक्तम, जिनका आधान कहा गया है, जिनसे संबंधित आधान कहा गया है, किनसे संबंधित? ब्राह्मण आदि से संबंधित आधान कहा गया है, तो तान अधिकृत्य उनको अधिकृत करके उत्तर कालः कामश्रुतयो भवन्ति, उससे संबंधित उत्तरकालीन जो कामना श्रुतियां हैं वो हो जाती हैं, ये जाना जाता है, ये इष्ट है। हाँ। इसमें जो दूसरी पंक्ति में आया था यथा प्राप्तस्य आधानस्य, हाँ, यथा प्राप्तस्य अग्निहोत्रम जुहियाति लेंगे? यथा प्राप्तस्य आधानस्य मतलब हो गया कि वसंतादि से जो आधान की प्राप्ति है उसके होने पर, यदि वसंत आदि से आधान प्राप्त हो ही गया है और कामना श्रुतियों से भी हमने आधान वाक्य कल्पित कर लिया है, श्रुति कल्पित कर ली है, तो ऐसे में वो जो कल्पित श्रुति है वो पुनः श्रुतियां हो जाएंगी। पुनः श्रुतियां मतलब ये पुनरुक्ति दोषों का अनिष्ट कहा जा रहा है यहां पर। यथा प्राप्त आधान से एता पुनः श्रुत है भयो, ये जो कल्पित श्रुतियां हैं कामना श्रुतियों से जो आधान की श्रुति निकाली जाए, पूर्व पक्षी जो निकालने का प्रयास कर रहा है, बोले ये श्रुतियां तो पुनः श्रुतियां हो जाएंगी। ये पुनः श्रुति होना मतलब दोष कहा जा रहा है, समझे बात को? इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि अग्निहोत्रम जुयात से प्राप्त थी, फिर क्या प्राप्त थी? कल्पित श्रुति जो प्राप्त थी आधान की, हाँ, और फिर इन श्रुति के द्वारा पुनः श्रुति हो जाएगी। कौन सी श्रुति पुनः श्रुति? वसंतेशु जो वसंत आने वाले, उसके लिए नहीं कहा जा रहा है, वो नहीं कह सकता, ये सिद्धांत ही बोल रहा है, उल्टा क्यों कर रहे हो आप? ये जो पुनः श्रुत है, एताह पुनः श्रुत है भाई, वो कौन सी श्रुतियां हैं? तो इसमें जो लिखा है ना, आधान श्रुतिम कल्पयितुम तुम शक्नुवंती अपराम आधान श्रुतिम कल्पयितुम, तुम आधान श्रुति की बात चल रही है यहां पर, ये जो कल्पित की जा रही है उसी की, उसी को लेके कहा जाएगा कि ये जो कल्पित श्रुतियां हैं वो पुनः श्रुति हो जाएंगी। और ठीक है, तो आगे चलिए, पृष्ठ संख्या 548। इसमें हमने ये प्रसंग चला रखा था, चौथे सूत्र का भाष्य, उसी में पक्ष विपक्ष चल रहा था कि यहाँ पर वाक्य का क्या अर्थ हो जाएगा, कि हम नया आधान माने अथवा तो इसको गुणश्रुति माने। अग्न्याधान जो है वो गुण विधि मानेंगे या तो नया मानेंगे, नया कर्म मानेंगे। तो इसमें नीचे से तीसरी पंक्ति में देखेंगे,
548 की नीचे से तीसरी पंक्ति बीच में से। पहले मैं सिद्धांती ने दोष दिखाया था, तद एकस्मिन अर्थे विधिये माने न अनेकार्थम भवेति। पूर्व पक्षी ने अनेकार्थता का दोष बताया था, सिद्धांती ने कहा कि एक ही में विहित हो रही है इसलिए यहां पर अनेकार्थता का दोष नहीं आएगा। अब पूर्व पक्षी कह रहा है ननु आधानस्य एतत् विधानम्। ये आधान का विधान है, कौन सा? ये जो सपत्न वाला वाक्य है ना, एवं सपत्नम भ्रातृव्यम अवर्तिम सहते, ये वाक्य आधान का विधान कर रहा है। और गुणार्था सा पुनः श्रुति, और सा श्रुति मतलब वसंते वाली, वो गुण के लिए श्रुति हो जाएगी। पूर्व पक्षी ने ऐसा कहा, सिद्धांत कह रहा है ना अति ब्रूम है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? तो सा ब्राह्मणादि संबद्धा प्रथमा श्रुति, ब्राह्मण आदि से जुड़ी हुई वो श्रुति पहली है, पहले वो कही गई है। इयम केवला पुनः श्रुति, ये तो केवल पुनः श्रुति है, उसी के आधान का यहां पर कथन किया गया है। तो ऐसा कैसे कह दिया सिद्धांती ने? पूर्व पक्षी पूछता है कुतः, सिद्ध कीजिए। तो कह रहा है सिद्धांती कि साही शब्देन विदधाती, वो जो वसंते वाली आधान की श्रुति है वो शब्द के द्वारा कही गई है, यहां शब्द के द्वारा नहीं कही गई है। कैसे शब्द से कही गई है? तो कहा तत्र लिंगम उच्चरंतीम पश्यामः, वहां लिंग को बोलते हुए देख रहे हैं हम। लिंग कैसा है? आदधीत, लिंग लकार का प्रयोग है, आदधीत विधि है, यहां पर विधि लिंग है। और जबकि यहां पर क्या है? एवं सपत्नम भ्रातृव्यम अवर्तिम सहते, या एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, आधत्ते तो लट लकार का प्रयोग है और वहां आधधीत लिंग लकार का प्रयोग है, तो उसी से पता लगता है कि वो विधि है, यहां विधि नहीं है। तो सिद्धांती कह रहा है कि साही शब्देन विदधाती, वो वाक्य है सा श्रुति, वो श्रुति अपने साक्षात शब्द के द्वारा आधान का विधान कर रही है। तत्र लिंगम उच्चरंतिम पश्याम, वहां लिंग को उच्चारित करते हुए हम देख रहे हैं। और इयम प्रशस्तम आधानम इत्याह, और ये जो श्रुति है इयम सपत्नम वाली है कि यह एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, ये तो प्रशस्त आधान के प्रशंसा को कह रही है। ये जो आधान की प्रशंसा करते हैं तो शत्रु भ्रातृव्य की अवाच्य को भी वो सहन कर लेता है, दुर्वचनों को कठोर वचनों को भी वो सह लेता है। तो ये तो आधान की केवल प्रशंसा की जा रही है, विधान नहीं है यहां पर। इयम प्रशस्तम आधानम इति आह, इतना ही कह रहा है। ततः प्रशस्तताम आधानस्य अनुमन्यामहे, और इसके कारण से हम आधान की प्रशस्तता को मानते हैं, इतना ही इस वाक्य ने कहा है। एवं च इस प्रकार वसंते ब्राह्मणों अग्निन आदधीत इति एषा विधायिका श्रुति इति ब्रूमहे, इसलिए ये वसंते ब्राह्मणों अग्निन आदधीत ये विधायिका श्रुति है, विधान कर रही है, ऐसा हम कहते हैं। नहीं तत् प्रशंसा वचनम अस्मत् पक्षम बाधते, और ये जो प्रशंसा वचन है सपत्नम वाला, इससे हमारा पक्ष बाधित नहीं होता है कि वसंते वाला विधान कर रहा है, उसको ये बाधित नहीं करता है, विरुद्ध नहीं हो रहा है उसके। शक्यते ही अनेन विहितम अन्येन प्रशंसितुम प्रशस्तम इति वदितुम, किसी एक के द्वारा विधान करने पर दूसरे वाक्य से उसकी प्रशंसा की जा सकती है, कोई आपत्ति नहीं है। यदि तु एतत् विधायकम इत्युच्येत, अब सिद्धांती पूर्व पक्षी की शैली में अभ्युपगम से बोल के खंडन कर रहा है कि यदि तू एतत्, एतत् मतलब ये सपत्नम वाला, अगर ये वाक्य विधायकम इति उच्चेत, इसको विधायक कहा जाए, तो आप अगर इसको विधायक कहो तो अस्मत् पक्षम विरुद्धेता, तो हमारा पक्ष विरुद्ध होगा। आप इसको विधायक कहते हो और हम उसको भी विधायक कह रहे हैं, तो दो दो विधायक हो रहे हैं, अब विरोध आएगा। इसको प्रशस्त वचन कहेंगे तो कोई विरोध नहीं आएगा। कथम, तो विरुद्ध क्यों हो रहा है ये? तो कह रहे हैं कि अज्ञातस्य ज्ञापनम विधानम एतत्। विधान किसे कहते हैं? जो अज्ञात है उसका ज्ञापन करना, जो पहले पता नहीं है, अपूर्व है, वो नई बार कहा जा रहा है। तो यदि यहां पर पहले कह दिया गया है और फिर वहां पर भी कहा जा रहा है और हम कहें कि वो विधि है, तो विधि हो ही नहीं सकती। अपूर्व का तो ज्ञापन हो नहीं रहा है, अज्ञात का ज्ञापन तो हो नहीं रहा है। आगे, यदि प्रशंसा वचने न अपूर्वम विज्ञाप्येत तथा लिंगा न अपूर्वम ज्ञापितम भवेत, अगर आप इस प्रशंसा वाक्य से, प्रशंसा वाक्य कौन सा है? ये सपत्नम वाला, इससे ही आप अपूर्व को बताओ, विधान का आधान का विधान कर लो, तो फिर लिंग के द्वारा अपूर्व ज्ञापित नहीं होगा। आदधीत है, यहां जो लिंग है इससे कोई नई बात तो कही नहीं जाएगी, यही कह दी गई। तत्र अपूर्व ज्ञापन वचन शब्द उपरुद्धेता, तो वहां पर अपूर्व को बताने वाला जो शब्द है कौन सा? आदधीत,
लिंग है, विधि लिंग है, ये उपरुद्ध देता है वो बाधित हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। न तो लिंगा विहित प्रशंसा वचनम उपरुद्ध थे, और अगर लिंग लकार लिंग के द्वारा आदिति के द्वारा अगर आधान का विधान किया गया है तो ये प्रशंसा वचन उसके विरुद्ध नहीं होता है। प्रशंसा वचन में अगर हमने आधान की विधि कर लिया तो वो विरुद्ध पड़ता है, लेकिन वहां विधि मानी तो ये विरुद्ध नहीं पड़ता है, दोनों वाक्य संगत हैं, कोई आपत्ति नहीं है। विहिते पे ही वाक्यांतरेण प्रशंसा वचनम अवकल्पते, तो किसी को विहित भी कर दिया है तो भिन्न वाक्य के द्वारा प्रशंसा वचन संगत हो जाता है। अपिच यल्लिंगा विधानम तश्रुत्या, दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि जो लिंग से विधान किया गया है, ये उस पक्ष में कह रहे हैं कि चलो मान लिया वसंते वाक्य से तो विधान हो ही रहा है, और आप कहो कि सपत्न वाले वाक्य से भी विधान हो रहा है, यह एवं विद्वान अग्निम आधत्ते इससे भी विधान हो रहा है, तो दोनों का विधान अगर माने तो भी, तो जो लिंग से विधान हो रहा है वो श्रुति से हो रहा है, और वाक्य ने तो प्रशंसा गम्यते, वाक्य से जो अगर हो रहा है तो प्रशंसा इससे हमें पता लगती है, तो प्रशंसा होते हुए ये विधि कर रहा है ऐसा कह सकते हो आप। अगर प्रशंसा स्तुति हो रही है उससे भी विधि हो जाती है, लेकिन ये वाक्य से हो रही है, तो ऐसे में श्रुतिश्च वाक्यात् बली ऐसी श्रुति वाक्य से बलवती होती है, इसलिए उसी वाक्य से आदधित से ही विधि आधान की विधि माननी चाहिए। हो गया, आगे देखें। अब पूर्व पक्षी कह रहा है ननु इदमपि वाक्यम ब्राह्मणो अग्निन आदधित इति, आपने कहा है कि ब्राह्मणो अग्निन आदधित, ये श्रुति से आधान को कर रहा है, पर ये भी तो वाक्य ही है और क्या है ये, तो वाक्य से ही तो पता लगा, वो भी वाक्य से पता लग रहा है, यहां भी वाक्य से पता लगता है, जैसे कि हम प्राय सोचते हैं ना भाई, वो तो कहते हैं ये तो श्रुति है, अब वो ये नहीं समझ में आता है कि ये श्रुति मतलब है तो वेद का मंत्र, वो वाक्य वचन है तो बोले श्रुति तो ये भी है, श्रुति तो ये भी है, वो कह नहीं वहां तो वाक्य से है ये श्रुति से है, तो जिसको ये नहीं सब पता नहीं होता है तो वो अटक जाता है ना, वो तो सोचता है दोनों ही श्रुति है, या तो श्रुति का मतलब यहाँ पर अलग होता है, वो श्रुति का मतलब वेद मंत्र को ही मात्र को ले रहा होता है, या श्रुति का मतलब है शब्द के द्वारा साक्षात कथन किया जाना, तो आदतित श्रुति है और दूसरा तो वाक्य है, तो पूर्व पक्षी ने कह दिया ब्राह्मणो अग्निन आदतित ये भी तो वाक्य ही है। सिद्धांत कह रहा उच्यते स्वपदम स्वपदार्थम अत्र श्रुतिर विदधाति आदानम ब्राह्मणादि संबंधेन, बोले ठीक है वैसे तो वाक्य है ये, पर यहां स्वपदार्थ अपना जो इसका पद का अर्थ है वह श्रुति कहती है आधान को, अपने पद के अर्थ से साक्षात श्रुति आधान को कहती है, कैसे ब्राह्मण आदि संबंध है, ब्राह्मण आदि के संबंध से, कहीं ब्राह्मण के संबंध से इस ऋतु में वसंत में, कहीं क्षत्रिय के संबंध से ग्रीष्म में, और कहीं वैश्य के संबंध से शरद के अंदर, तो ये ब्राह्मण और ऋतु से जुड़ करके ये कह रही है, साक्षात श्रुति कह रही है। पर पदार्थम प्रशंसति, और ये जो प्रशंसा है ये तो दूसरे के अर्थ को कहती है, ये स्वपदार्थ को कह रही थी आददित है, और ये दूसरे के पदार्थ को कह रही है, एवं सपत्नम भ्रातृव्यम अवर्तिम सहते इति, इसलिए श्रुति वहां पर लगेगी। अब पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु अनेक गुण विधानम त्वया वाक्येन अध्यवसितम भवति, बोले ठीक है चलो ये आपने श्रुति से आधान तो कर लिया, लेकिन आपके इस वाक्य से ब्राह्मणो अग्निन आदधित वसंते ब्राह्मणो अग्निन आदधित, इससे अनेक गुणों का विधान वाक्य के द्वारा निश्चित किया जा रहा है आपके द्वारा, क्योंकि इन्होंने साथ में कह दिया ना ब्राह्मण आदि संबंध है ना, तो सिद्धांत कह रहा नहीं दोषा, ये तो कोई दोष नहीं है, अनेक चीजें कही भी जा रही हैं तो क्यों नहीं है। अगुण विधि परे ही वाक्य भवति अनेक गुण विधानम इत्युक्तम, अनेक गुणों का विधान कहाँ होता है, अगुण विधि परक वाक्य के अंदर, जिस वाक्य में गुण की विधि नहीं है वहां अनेक गुणों का विधान हो जाता है, और जहां जिस वाक्य में गुण की विधि है वहां पर अनेक गुणों का विधान नहीं हो सकता, वहां तो एक ही गुण का विधान हो सकता है। तो ये जो अगुण का है यहां पर कैसे अर्थ निकलेगा प्रसज्य परयुदास प्रतिषेध से, कि अगुण विधान अगुण विधि परक जो वाक्य है, अगुण विधि परे वाक्य, तो जिस गुण भिन्न गुण सदृश वो कर्म आ जाएगा, तो यहां पर अगुण विधि परे वाक्य का मतलब है कर्म विधि परे वाक्य, कर्म के विधायक वाक्य में या कर्म की विधि के हो वहां पर अनेक गुणों का विधान हो जाता है, उसके लिए सूत्र का प्रमाण दिया तद्गुणास्तु विधियेरन अविभागात विधानार्थम न चेत अन्येन शिष्टः, अगर दूसरे वाक्य से वशिष्ट नहीं किए गए हैं तो एक ही वाक्य से विधि वाक्य से कर्म के उत्पत्ति वाक्य से ही अनेक गुणों का विधान भी होता है, और उसको हम गुण विशिष्ट विधि के नाम से कहते हैं, तो इसमें अनेक विधियां हो रही हैं ये दोष नहीं आता है।
तस्मात ब्राह्मणादि संयुक्ता विधायिका श्रुति, तो ब्राह्मणादि वसंत इनसे संयुक्त होते हुए ये विधायिक श्रुति है। इयम अपि केवलस्य आधानस्य पुनः श्रुति संभार विधानम उपक्रमितुम इति चित्तम। और इयम अपि ये भी कौन सी सपत्न वाली ये श्रुति, केवलस्य आधानस्य पुनः श्रुति, केवल आधान की जो ये पुनः श्रुति है ये भी किस लिए है, संभार विधान के उपक्रम के लिए। इससे अगले वाक्य में संभार का वर्णन आ रहा है, उसका केवल उपक्रम करने के लिए ये कही गई है, अलग से नहीं कही गई है। उपक्रमितुमिति सिद्धम, इसलिए कोई दोष नहीं है यहां पर। आगे यदुक्तम, और जो आपने ये कहा था, सिद्धांती पूर्व पक्षी के आक्षेप को बताते हुए उद्धार कर रहा है, समाधान करें। आपने ये कहा था अनेक गुण विधाने वाक्यम भित्येत, अनेक गुणों के विधान में तो वाक्य भेद हो जाएगा। तो कहा यद इमौ गुणौ आधान विशिष्टौ विधिये याताम भवेत वाक्य भेद, अगर ये दोनों गुण, यदि इमौ गुणौ आधान विशिष्टौ आधान से विशिष्ट किए जाए, कि ब्राह्मण आधान करे वसंत में आधान करे, आधान से विशिष्ट करते हुए अगर ये अलग अलग कहे जाएं तो वाक्य भेद होगा। लेकिन द्वाभ्यां तु विशेषणाभ्याम विशिष्टम एकम आधानम विधायिष्यते, लेकिन यहां इन दोनों विशेषणों से संयुक्त होकर के एक आधान यहां पर कहा जाएगा कि ब्राह्मण के द्वारा वसंत ऋतु में आधान किया जाएगा। तो अब ये दोनों आपस में ब्राह्मण और वसंत पहले जुड़ गए, अब ये इकट्ठे जाकर के आधान से जुड़ रहे हैं, तो एक ही विधान होगा, एक ही का विधान होगा। ब्राह्मण वसंत विशिष्ट ब्राह्मण वसंत ऋतु में ब्राह्मण आधान करे, और या तो ब्राह्मण वसंत ऋतु में करे, आपस में जो भी विशेषण विशेष्य बनाना हो, लेकिन इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो आदतीत के साथ जुड़ेगा दोनों मिल करके, तो एक ही विधान होगा। अलग अलग जोड़ेंगे तो दो विधान होगा। द्वाभ्याम तो विशेषणाभ्याम विशिष्टम एकम आधानम विधायिष्यते, हो गया ये। तेन न भविष्यति वाक्य भेद, जब एक ही विधान होगा तो वाक्य भेद कैसे होगा, नहीं होगा। तस्मात ब्राह्मणादीनाम आधानस्य प्रापकानी श्रवणानी इति सिद्धम, और जब यहां पर ये विधान मान लिया है तो ब्राह्मण आदियों के आधान को प्राप्त कराने वाली वाले ये श्रवण है, ये सिद्ध होता है। इस प्रकार इति अग्न्याधानस्य विधेयकत्वाधिकरण, अग्न्याधान का यहां विधान किया गया है। हाँ, 549 पृष्ठ पे, 549, हाँ, इसमें जो अंतिम पंक्ति थी, अंतिम से पहली, अपि च यल्लिंगा विधानम तत्श्रुत्या वाक्येन तु प्रशंसागम्यते श्रुतिश्च वाक्यात् बलीयसे, तो यहाँ पे कैसे विरोध दिखा रहे, समझ नहीं आ रहा। देखो, ये प्रशंसा गम्यते को आप यूं कहो, प्रशंसा तो गम्य हो रही है, लेकिन विधि की विधान आधान की विधि भी वहां पर देखनी पड़ेगी। तो लिंग के द्वारा तो विधान हमें जाना जा रहा है, और उधर वाक्य से प्रशंसा जानी जा रही है, और प्रशंसा के होने से अब वहां पर आधान को हम ले रहे हैं। ये जो कहा ना, यह एवं विद्वान अग्निन अग्निम आधत्ते, अग्नि का आधान करता है, तो प्रशंसा गम्य मान है, लेकिन प्रशंसा के साथ साथ वहां पर आधान की भी प्राप्ति हो रही है, तो श्रुति से तो नहीं हो रही है, ओम कल्पित कर रहे हैं, वाक्य से आ रही है वो, तो इसलिए वो दुर्बल है। ये विरोध आ रहा है दोनों में ना, आदतीते में तो साक्षात श्रुति है, वसंते ब्राह्मणों अग्निन आदतीत, अग्नि का आधान करे स्पष्ट एकदम श्रुति है, और यहां पर तो प्रशंसा केवल गम्य हो रही है, और प्रशंसा के बाद में अब हम ये कर रहे हैं कि वहां आधान करना चाहिए, जब उसकी प्रशंसा की जा रही है तो विधि निकल करके आ रही है वहां पर, वो वाक्य से आ रही है, ये श्रुति से आ रहा है। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 552 चौथा अधिकरण, दाक्षायणादीनाम गुणताधिकरणम, दाक्षायण आदि कुछ यहां पर कर्म कहे गए हैं, इनकी गुणता को बताने वाला अधिकरण है, यानी ये स्वतंत्र कर्म नहीं है, ये गुण कर्म है, मुख्य कर्म कुछ और है। वो क्या है बता रहे हैं, दस पूर्ण मासो प्रकृत्य आमनंती, दस पूर्ण मास के प्रकरण में ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ा, दाक्षायण यज्ञेन यजेत प्रजा कामः, जो प्रजा की कामना करता है वो दाक्षायण, इस दाक्षायण नाम के यज्ञ से यजन करे। दूसरा, साकम प्रस्थायेन यजेत पशु कामा, जो पशु की कामना करना है करता है
उसाकं प्रस्थाय इस यज्ञ से यजन करें। और संक्रमण यज्ञ न यजेत अन्नाद्य काम, जो अन्नाद्य काम है वो संक्रमण यज्ञ से यज्ञ करे, ये वचन हो गए। तत्र संदेह किम दशपूर्ण मासे और एवं गुणात् फलम, यहाँ पर दशपूर्ण मास के ही ये गुण बन रहे हैं, विशेषता आ रही है, इससे गुण हो रहा है, इससे फल हो रहा है। उत कर्मांतरम एवं जातीय कमिति, अथवा ये कर्मांतर है यानी नया कर्म कहा जा रहा है, नया याग कहा जा रहा है। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है पांचवा सूत्र, अयनेशु चोदनांतरम संज्ञोपबंधात्, यहाँ संज्ञा का उपबंध है, संज्ञा प्रतीत हो रही है, तो अयन में यानी आवृत्ति में चोदनांतरम ये भिन्न प्रेरणा होने से और संज्ञोपबंध से यहां पर ये नया कर्म माना जाएगा, कर्मांतर का विधान है। तो भाष्य कर्मांतरम इति कुतः संज्ञोपबंधात्, संज्ञोपबंध हेतु है और चोदनांतरम ये भिन्न कर्म है, ये यहां पर विधि की जा रही है। यद्यपि प्रकरणात् यजति शब्दाच स एव पूर्व प्रकृतो यागा इति गम्यते, पूर्व पक्षी ही कह रहा है कि ठीक है, सिद्धांति की बात को कह रहे हैं कि इतना तो ठीक है कि यदि प्रकरण से देखा जाए और यजति शब्द को देखा जाए तो पूर्व प्रकृति याग ही यहां पर जाना जा रहा है, क्योंकि यहां पर भी देखो यजेता लिखा हुआ है सब जगह, यजेता यजेता तो पहले से ही आ जाएगा। दशपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, वहां भी यजेता है और प्रकरण भी है, तो वही माना जाना चाहिए। तथापि लेकिन फिर भी न असौ एवं संजका इति यागांतरम विधेयम गम्यते, लेकिन तथापि न असौ, असौ मतलब यह है, यह का मतलब है दशपूर्ण मास, ये इस नाम वाला नहीं होता है, इसलिए इसको यागांतर विधेय है ऐसा जानना चाहिए। अपनी पुष्टि में और कह रहा है पूर्व पक्षी अगुणाच कर्म चोदना, और चूंकि यहां पर गुणों का कथन नहीं किया गया इसलिए यह कर्म की चोदना है, कर्म को कहा जा रहा है। जिस वाक्य में गुण ना हो और कर्म का विधान हो तो कर्म ही मानना पड़ेगा वहां पर। हाँ, अगर गुण का विधान भी है और कर्म का भी विधान है, और कर्म यदि कहीं और कह दिया गया है तो फिर हम कह देते हैं कि ये गुण विधि है। हाँ, कहीं कर्म का विधान कहीं नहीं है और यहाँ गुण भी कहा गया है और कर्म भी कहा गया है तो हम गुण विशिष्ट विधि कह देते हैं। पर यहाँ इस प्रसंग में कह रहे हैं कि याग का तो प्रसंग दिख रहा है यहाँ, लेकिन गुण का तो यहाँ कथन आ ही नहीं रहा है, तो कहा अगुणाच्य कर्म चोदना, क्योंकि गुण नहीं कहा गया है तो इसको नया कर्म ही मानना पड़ेगा। भाष्य देखिए, न चात्र गुण उपपद्यते, कोई गुण तो कहा नहीं गया यहाँ पर, संबद्ध नहीं है कश्चित कोई भी, यद विधानार्थ चोदना भवेत, जिसके लिए ये वाक्य कहा गया हो कि भाई इस गुण को कहने के लिए कहा, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि न, यदि च न यागांतरम अनार्थक्यम एवा, और गुण तो कहा नहीं जा रहा है और आप याग भी नहीं मानोगे इसको नया, तो ये वाक्य ही व्यर्थ हो जाएगा। ये वाक्य कर क्या रहा है यहाँ पर, किस क्या कहना चाहता है। अपिच और यदि गुण उपबद्धेता, अगर आप यहाँ पर गुण को बांधते हो तो याग गुण संबंधो गम्यते इति, और तब भी यानी आप जैसे तैसे यहाँ कोई गुण भी ले आओगे तब भी ये गुण याग से संबद्ध होते हुए याग का विधान करने वाला होगा। तद अनुष्ठानम विधीयेता इति, उसके अनुष्ठान को का विधान करेगा, यानी ये गुण विशिष्ट विधि हो जाएगा। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, गुण तो है ही नहीं पहली बात तो, इसलिए ये कर्म का ही विधान है, और अगर आप किसी तरह से गुण भी ले भी आते हो तो ये कर्म का विधान होते हुए गुण विशिष्ट विधि हो जाएगी। अननुबद्ध माने याग मात्रम गम्यते इति तद अनुष्ठानम विहितम गम्यते, अनुपबद्ध माने, इसकी जगह पाठभेद है अनुपबद्ध माने, यानी इसमें कोई गुण तो जुड़ा हुआ है नहीं, गुण का संयोग न होने के कारण से केवल याग मात्र यहाँ पता लगता है, इसलिए उसका अनुष्ठान ही यहाँ पर विहित है ये जाना जाता है। केवल याग का ज्ञान हो रहा है इसलिए याग का अनुष्ठान है ये यहाँ समझा जाता है। और पुष्टि में पूर्व पक्षी कह रहा है सातवां सूत्र समाप्तम च फले वाक्यम, और बोले ये जो वाक्य है ये फल में समाप्त हो रहा है। दाक्षिणायन दाक्षिणायन यज्ञेन यजेता प्रजा कामः, ये प्रजा कामः फल है, कामना है, उससे वाक्य समाप्त हो रहा है। इसी तरह से पशु कामः और अन्नाद्य कामः से समाप्त हो रहा है, इससे भी पता लगता है कि ये नए कर्म का विधान है। इतश्च कर्मांतरम कथम फले समाप्तम वाक्यम, फल में वाक्य समाप्त हो रहा है प्रजा कामो यजेत इति, प्रजा कामस्य याग उपायो विधीयते, जो प्रजा की कामना वाला है उसको याग ये उपाय कहा जा रहा है, विहित किया जा रहा है।
विधीयते चेत कर्मांतरम, और अगर ये विहित किया जा रहा है तो ये कर्मांतर है। इसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, इसको काट दीजिए। अब इसमें एक शब्द आया था आयन, जो दाक्षायण यज्ञ दक्षायण के साथ में आयन है, तो आयन के ऊपर युधिष्ठिर जी लिखते हैं, तो आगे लिखेंगे वैसे तो। आयन को यूं कहते हैं कि जहां से चले थे वहीं लौट करके आते हैं, उसको आयन कहते हैं। जैसे कि रामायण, राम वहां से चले जंगल गए और घूम करके वापस आ जाते हैं, ये रामायण कहला दिए। तो उन्होंने कहा कि कई लोग फिर कृष्णायन भी करने लग जाते हैं, लेकिन कृष्ण जहां से चले थे मथुरा से वहां तो वापस लौट के नहीं आए, तो आयन नहीं हुआ, तो रामायण की तरह से कृष्णायन भी करने लग जाते हैं। बोले ये शब्द वहां प्रयोग नहीं होगा, जहां से चले थे वहीं लौट करके आ रहे हैं, तो आयन शब्द प्रचलित है। जैसे दक्षिणायन उत्तरायण, वहां से चले थे वापस वहीं आ जाता है सूर्य, उसी तरफ आ जाता है, दक्षिणायन उत्तरायण कहलाते हैं। और इसी आधार पर युधिष्ठिर जी ने अपनी दूसरी पुस्तकों में लेखों में ये सिद्ध किया है कि मुक्ति से लौटा जाता है, वो उसको भी आयन कहते हैं। नान्य पंथा विद्यते अयन आया, अयन के लिए और कोई रास्ता नहीं है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते, किसके लिए? अयन के लिए। अयन क्या है? अयन आय चतुर्थी विभक्ति, अयन के लिए, और अयन वापस वहीं जाना होता है। तो ये जो मुक्ति है ये तो चक्र है, वहां से जा चलते हैं फिर वहीं आते हैं, फिर वहां से चलते हैं फिर वहीं आते हैं, ऐसा। तो देखिए अब इसका सिद्धांत उत्तर दे रहा है आठवां सूत्र, विकारो वा प्रकरणात्। बोले नहीं ये तो विकार है, क्यों विकार है? प्रकरण से हमें पता लगता है। दर्शपूर्ण मासो रेव विकार है एवं जातीय का सियात दाक्षायण यज्ञादि, ये दाक्षायण यज्ञादि दर्शपूर्ण मास का ही विकार माना जाएगा। क्यों? एवं प्रकरणम अनुग्रहितम भवति, इससे प्रकरण का अनुग्रह हो जाता है, प्रकरण सार्थक होता है, उस प्रकरण में इसको पढ़ा गया है, तो यहाँ क्यों पढ़ा गया है? अगर ये अलग ही कर्म था तो अलग पढ़ते ना, इस प्रकरण में इसका पढ़ा जाना, इन वाक्यों का पढ़ा जाना सार्थक होता है, वो प्रकरण सार्थक हो गया है। दूसरा नवा सूत्र लिंग दर्शनाच्च, बोले नहीं इसका संकेत भी मिलता है कि ये इसी के अंतर्गत आते हैं। कैसे? तो लिंगम अपि एतत् एतम अर्थम दर्शयति, संकेत मिल रहा है, चिन्ह क्या है? त्रिशतम वर्षाणी दर्शपूर्ण मासाभ्यम यजेता, एक वाक्य है, दर्शपूर्ण मास का प्रसंग है, तो 30 साल तक दर्शपूर्ण मास यज्ञ करें, 30 साल तक करना होता है। आगे यदि दाक्षायण याजी स्यात, लेकिन अगर वो यजमान दाक्षायण याजी है, ये जो जिसकी दाक्षायण की बात चल रही थी, अगर वो उसको करने वाला है तो अथोपि पंचदशैव वर्षाणी यजेता, फिर भी 15 साल तो करना पड़ेगा उसको, वैसे 30 साल करना पड़ेगा, और दाक्षायण याग को करे तो भी 15 साल तो करना ही पड़ेगा, तो 15 साल तो कम हो गए, 30 की जगह 15 साल ही करना पड़ा। तो ये जो दाक्षायण यज्ञ का नाम लेते हुए दर्शपूर्ण मास को 30 से 15 साल तक लेके आए, इसे पता लगता है कि ये तो उसी से संबंधित है। अत्र ही एवसा, एक ही मात्रा है, ही एवसा संपत संपद्यते, इसी में ये संपत संपद्यत हो रही है। कौन से? द्वे ही पूर्णमासी यजेता द्वे अमावास्य, अमावास्य कर लेना, वाह कर लेना यहाँ पर। इसमें क्या करते हैं, जब दक्षिणायन करते हैं तो हर पूर्णमासी में एक नहीं करते, दो करते हैं, अमावस्या में भी दो याग करते हैं, तो हर पूर्णिमा और अमावस्या को एक एक ना करके दो करते हैं, तो दो करते हैं तो 15 वर्ष में पूरा हो जाएगा, आधे में हो जाएगा। अत्र ही एव खलु सा संपत भवति, ये यहीं पर ही ये संपत होती है। कौन? जो दाक्षायण करता है। यदि दाक्षायण यज्ञो दर्शपूर्ण मास एव, यदि दाक्षायण यज्ञ दर्शपूर्ण मास ही है तब तो ये 15 साल आएंगे ना 30 से, अगर ये भिन्न कर्म होता तो 30 साल से 15 साल क्यों आते? एवं तरही त्रिंशत संपदा प्रयोजनम, ऐसा करने पर 30 की संख्या का संपदा का प्रयोजन होता है। ततस्तस्य त्रिंशत संपदम संपद अनुग्रहो युच्यते, उसके 30 की संपदा का अनुग्रह युक्त होता है। तस्मादपि न कर्मांतरम, इसलिए भी यह कर्मांतर नहीं है। और कह रहा है सिद्धांती दसवां सूत्र, गुणात संज्ञोपबंध, ये जो संज्ञा का उपबंध किया गया है वो तो गुण के कारण से है। पूर्व पक्षी ने पीछे क्या कहा था, ये जो संज्ञा का उपबंध है इसे पता लगता है कि ये चोदनांतर है,
पांचवें सूत्र में अयनेशु चोदनांतरम संज्ञोपबंधात्, ये कर्मांतर है। कैसे पता लगा था? संज्ञा के उपबंध से। तो सिद्धांत कह रहा है कि ये संज्ञा का उपबंध तो गुण के कारण से है। भाष्य यदुक्तम, जो आपने कहा था, पूर्व पक्षी ने कहा था, उसको उद्धृत कर रहा है सिद्धांती। संज्ञोपबंधात कर्मांतरम इति, संज्ञा के उपबंध से कर्मांतर है। तो यदि दाक्षायण शब्दों न केनचित अपि प्रकारेण दर्शपूर्ण मास वचन शक्यते कल्पयितुम तथा उच्चेत कर्मांतरम इति। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो दाक्षायण ये शब्द है, ये किसी भी प्रकार से यदि दर्शपूर्ण मास का कहने वाला संभव नहीं हो पाएगा तब आप कह सकते हो कि ये कर्मांतर है। लेकिन अगर ये दशपूर्ण मास का बोल कहने वाला सिद्ध हो जाता है तो कर्मांतर क्यों मानेंगे? शक्नोति तु आवृत्ति गुण संबंधात वदितुम, आवृत्ति गुण के संबंध से ये कहा जा सकता है। दाक्षायण यज आवृत्ति के संबंध से कहा जा सकता है। अयनम इति आवृत्ति रुच्यते, अयन का मतलब आवृत्ति होता है। दक्ष से इमे दाक्ष, अब कहते हैं दक्ष कौन, दाक्ष कौन होता है? दाक्षायण शब्द में अयन तो आवृत्ति हो गया, दाक्ष कौन है यहां पर? तो बोले जो दक्ष के हैं वो दाक्ष कहलाते हैं। दक्ष का मतलब है यजमान, और जो यजमान के हैं वो दाक्ष कहलाएंगे। दाक्ष बहुवचन है। तेषाम अयनम दाक्षायणम, जो उनका अयन है दक्षों का वो दाक्षायण कहलाता है। तो पूछता है कह पुनर्दक्ष, बोले दक्ष कौन है? वैसे तो यजमान हम ले रहे थे, बोले दक्ष कौन है? तो बोले उत्साही, उत्साह वाला है वो दक्ष होता है। व्रतेन दीक्षा मापनोती, दीक्षाया दक्षिणा मापनोती, व्रत से दीक्षा को प्राप्त होता है। जो दक्ष होता है दक्ष हो जाता है, वो उत्साह को प्राप्त होता है व्रत से। अब हम कहते हैं दीक्षा जैसे होती है ना, संन्यास की दीक्षा, वो दीक्षा, तो व्रत से किसी विशेष प्रकार की दीक्षा को प्राप्त हो जाता है। वो दीक्षा ये है कि उत्साहित होता है, अपना व्रत पूरा करना है मेरे को, वचनबद्ध हो जाता है। तो कह पुनर्दक्ष, बोले उत्साही, इसलिए हो जाएगा। अब ये तो इन्होंने दाक्षायण के बारे में कहा, अब बाकी के जो दो कहे थे उन्होंने साकम प्रस्थाई आदि, उसके लिए कह रहे हैं। उसमें आवृत्ति कैसे होती है वो बता रहे हैं। तथा साकम प्रस्थाई अपि सह प्रस्थानम, साकम प्रस्थाई, साकम कहते हैं साथ साथ, सह के अर्थ में साकम होता है, साकम समम आदि शब्द आते हैं। तो ये सह प्रस्थान को बता रहा है, गुण संबंध है, ये गुण का संबंध वहां पर कर रहा है। तो साकम प्रस्थाई अपि सह प्रस्थानम गुण संबंध, साथ साथ प्रस्थान करना, ये गुण जुड़ा हुआ है। एवं सर्वत्र, ऐसा दूसरी जगह भी लगा लेना चाहिए। दूसरी जगह का मतलब है कि यहां पर जो तीसरा है संक्रम यज्ञ, उसमें भी लगा लेना चाहिए। यहां तो भाष्यकार ने नहीं लिखा है, लेकिन युधिष्ठिर जी ने पृष्ठ 557 पर रेखा के नीचे हिंदी में लिखा है संक्रम यज्ञेन। यद्यपि भाष्यकार ने इसका आवृत्ति रूप अर्थ कैसे होता है यह नहीं दर्शाया है, तथापि उनके मतानुसार सम यानी समान, क्रम यानी क्रमण अनुष्ठान रूप अर्थ जानना चाहिए। समान अनुष्ठान रूप कर्म हो रहा है, इसलिए इसको संक्रम यज्ञ कहा गया है। समान रूप से उपक्रम हो रहा है, ऐसा मान सकते हैं। तो गुण संबंध आगे कहा, एवं सर्वत्र, ऐसा सब जगह लगा लेना चाहिए। शक्यते चेत दर्शन पूर्ण मास और गुण संबंधो वदितुम, और यदि हम दर्शपूर्ण मास के साथ इसको जोड़ सकते हैं, दर्शपूर्ण मास के गुण का संबंध इसका हम कह सकते हैं, तो किमपि स एव याग प्रतीयमानो अन्य इत्युच्यते। तो फिर कैसे वही याग जब प्रतीयमान हो रहा है तो उससे फिर वो अन्य को कैसे कह सकता है, कर्मांतर को कैसे कह सकता है? किमिति वा प्रकरणम बाध्यते, और फिर वो प्रकरण को भी क्यों बाधित करेगा? नहीं, प्रकरण को भी बाधित नहीं करेगा और अन्य को भी नहीं कहेगा। और सिद्धांति कह रहा है 11वां सूत्र समाप्ति ही अविशिष्टा, और ये जो समाप्ति कही की गई है ये तो अविशिष्ट है। इससे कोई ये थोड़ा ना पता लगता है कि जब समाप्ति का मतलब है यहाँ पर फल की समाप्ति जो कही गई है पशु काम आदि, उससे ये तो सिद्ध नहीं होता है कि ये कर्मांतर है। ये तो और भी बहुत सारे वाक्य हैं जहाँ पर गुण विधि है, हमें पता है कि गुण विधि है और वहाँ फल से समाप्ति हो रही है, तो ऐसे यहाँ भी फल से समाप्ति हो सकती है। फल से समाप्ति हो रही है ये कोई लक्षण नहीं है कि ये कर्म की विधि है। पूर्व पक्षी ने इस ढंग से प्रस्तुत किया था उसको कह रहे हैं। तो यदुक्तम, जो आपने कहा था फले वाक्यम समाप्तम, तो प्रजा काम आदेर यागानुष्ठानम विधीयते इति, इसलिए प्रजा काम आदि के लिए याग का अनुष्ठान किया जाता है। इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, फले से लेकर के और इति तक, विधीयते इति, नहीं बम ये ठीक नहीं है। अविशिष्टा फले समाप्ति,
यहाँ पर फल में समाप्ति है वो कोई विशिष्ट तो है नहीं, और जगह भी होती है, सामान्य है। यानी अन्यानी मुक्त संशयानी गुणे फलस्य विधायकानी वाक्यानि गुणस्य फल वचने पर्यवसितानी, तो अन्य जो संशय से रहित गुण में फल के विधान करने वाले वाक्य हैं उन वाक्यों का गुण, वाक्यों का गुण के फल वचन में समापन है, पर्यवसान है। जैसे कि दधनेन्द्रिय कामस्य जुह्यात् इत्येवम् आदिनी तहि एतत् अविशिष्टम्। तो दधनेन्द्रिय कामस्य जुह्यात्, दधनेन्द्रिय काम या कामना का लिखा हुआ इंद्रिय काम का, फिर भी ये कर्म विधि कर्म को करने वाली नहीं है, तो गुण विधि ही है। तो उसी तरह से ये भी है, अत्रापि ही गुणात् फलम उच्यते, यहाँ भी फल से, और यहाँ भी गुण से फल कहा जा रहा है। जैसे यहाँ दधनेन्द्रिय कामस्य में दधि गुण से फल को कहा जा रहा था, यहाँ भी गुण से कहा जा सकता है। कथम कैसे, नहीं तदेव संपद्यते, बोले इनमें वाक्य में, वाक्य के पदों में ऐसा संबंध नहीं है। कैसा, प्रजा कामस्य यज्ञम अनुतिष्ठेदिति, जिसको प्रजा की कामना हो उसके लिए यज्ञ का अनुष्ठान करे, ऐसा यहाँ पर संबंध नहीं बताया जा रहा है। ऐसा संबंध बताया जाता तब तो यज्ञ का अनुष्ठान वहां पर विधि हो जाती, यज्ञ की विधि हो जाती। कथम तरही, बोले कैसा संबंध जोड़ा जा रहा है, तो प्रजा कामस्य आवृत्ति यज्ञम अनुतिष्ठेदिति, जिसको प्रजा की कामना है वो आवृत्ति यज्ञ का अनुष्ठान करे। आवृत्ति यज्ञ इति यज्ञावृत्ति संबंधो अनुष्ठातव्यो निर्दिश्यते न यज्ञ। और आवृत्ति यज्ञ क्या है, तो यज्ञ की आवृत्ति से संबंध, यज्ञ का आवृत्ति से संबंध अनुष्ठातव्य है ये निर्दिष्ट किया जाता है। न यज्ञ, यज्ञ का विधान नहीं है, यज्ञ का आवृत्ति से संबंध करना चाहिए ये विधान किया जा रहा है। ये जो एक यज्ञ है जो पहले कहा जा चुका है उसको आवृत्ति से जोड़ना चाहिए ये विधान किया जा रहा है, ना कि यज्ञ के अनुष्ठान का विधान किया जा रहा है। न यज्ञ तस्मात् प्रकृतयोर दर्शपूर्ण मासयोर गुणात् फलम उच्यते, इसलिए यहाँ पर प्रकृति जो दर्शपूर्ण मास है उनका गुण के कथन से फल कहा जा रहा है, विशेष गुण कथन कर दिया गया और इसलिए फल का कथन किया जा रहा है। न यागांतरम विधीयते इति, एक नए याग का विधान नहीं किया जा रहा है। एवं साकम प्रस्थाइय संक्रम यज्ञे च द्रष्टव्यमिति, ऐसा ही का मतलब हो गया दाक्षिणायन के समान साकम प्रस्थाइय और संक्रम यज्ञ दोनों में समझना चाहिए। इति दाक्षायणादीनाम गुणता अधिकरणम, दाक्षिणादि के गुण का अधिकरण कहा गया है। इसमें एक बात देखिए, पृष्ठ 557 पर नीचे विशेष करके टिप्पणी दी है, विशेष लिखा हुआ है। उन्होंने कहा दाक्षायण यज्ञ का तैत्तिरीय संहिता में ही दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में निर्देश है, ही मतलब केवल यही और जगह नहीं है। बोले उसी से भ्रांत होकर शबर स्वामी ने इस अधिकरण में उल्लेख करके दर्शपूर्ण मास में ही गुणोपबंध दर्शाया है, यानी शबर मुनि भ्रांत हो गए और उन्होंने इनका उपबंध दर्शपूर्ण मास में जोड़ दिया है, जबकि ये कर्मांतर थे। लिख रहे आगे, वस्तुतः है दाक्षायण आदि विकृति याग ही हैं, विकृति याग हैं मतलब कर्मांतर हैं ये। इसका प्रतिपादन कुतुल वृत्तिकार ने इसी प्रकरण में विस्तार से किया है। तो कुतुल वृत्ति एक टीका है इसकी, भाष्य की सहित की है, भाष्य की भी टीका करती है, व्याख्या करती है। तो उन्होंने ऐसा प्रस्तुत किया है कि ये गलत हो गया है, यानी दाक्षिणायन तो कर्मांतर, दाक्षिणायन साकम प्रस्थाई है अथवा संक्रम यज्ञ, ये अलग अलग कर्म है, ऐसा उनका विधान है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, दशपूर्ण मास की ये गुण विधि है, विशेष गुण का विधान किया गया है, ये इनमें परस्पर विरोध आ रहा है। अब इसमें ये कहें कि चलो शबर स्वामी ने गलत किया है तो सूत्रकार ने क्या किया, सूत्र भी तो है यहां पर, सूत्र को कैसे संगत लगाओगे, अगर यहां नहीं घटाना है तो कहीं और घटाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने ही श्रोत यज्ञों का संक्षिप्त परिचय, जो कि इसके बाद की पुस्तक की समझनी जानी चाहिए, हालांकि इसमें आचार्य विजयपाल जी ने भी बाद में काम किया है, उसमें जोड़ा करा है। तो देखिए इसके तरेपनवे पृष्ठ पर ये क्या लिखते हैं, प्रसंग दर्शपूर्ण मास का ही है, तो एक अनुच्छेद लिखते हैं कि दाक्षायण यज्ञ कोई स्वतंत्र कर्म नहीं है, दाक्षायण यज्ञ कोई स्वतंत्र कर्म नहीं है, यही तो शबर भाष्य में भी सिद्ध किया गया, लेकिन टिप्पणी में इन्होंने कहा कि ये अलग से कर्म है। पर यहां इसमें क्या लिखते हैं, दाक्षायण यज्ञ कोई स्वतंत्र कर्म नहीं है, दर्शपूर्ण मास के साथ ही उसी दिन दोबारा कुछ भेद से किया जाने वाला कर्म है, उसी दिन करेंगे लेकिन थोड़े भेद से करेंगे, तो वो दो दो हो जाते हैं। फिर वहां पर द्रष्टव्य मीमांसा अध्याय 2 पाद 3 अधिकरण 4
सूत्र 5 से 11 इसी उद्धर अधिकरण को कह रहे हैं। इसलिए कहा है द्वे ही पौर्णमास्यौ यजेता, द्वे अमावास्य, दो दो का करना है यहाँ पर, ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। अर्थात साथ में दाक्षायण यज्ञ करता हुआ दो पौर्णमासी का यज्ञ करता है, दो अमावस्या का, इस प्रकार 30 वर्ष के बराबर 15 वर्ष में उतने 10 पूर्ण मास हो जाते हैं जितने 30 वर्ष में होते हैं। तो इसमें इससे फिर यहाँ पर इन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी कि ये दाक्षायण और साकम्प्रस्थायी या संक्रम यज्ञ ये अलग से कर्म नहीं है, ये इसी के गुण के हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं भेद हो सकता है तो हो सकता है। और दूसरा, इन्होंने तैतृय संहिता का तो लिखा ही है कि तैतृय संहिता में दाक्षायण यज्ञ के अंतर्गत ही नहीं, दाक्षायण यज्ञ का दशपूर्ण मास के प्रकरण में ही निर्देश है। तो हो सकता है इन्होंने उस उद्धरण को लिया हो या और इसी तरह की और दूसरी संहिताएं उस समय रही होंगी, तो उसके अनुसार से यहाँ पर लिया है। तो ये पाठ यहीं पर ही समाप्त करते हैं। प्रणाम। ओ सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।